लॉ रूल सिस्टम वेरिफिकेशन स्ट्रांग नहीं है, लेकिन सच में वंचित वर्ग आज भी हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंद वॉइस के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है वैष्णवी सुधा। आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जिसके बारे में साधारण जिंदगी में ज्यादा चर्चा नहीं होती। हम बात करने वाले हैं ईडब्ल्यूएस कोटा के आरक्षण के बारे में। जी हाँ, हम बात करेंगे आर्थिक रूप से वंचित वर्ग के दिए जाने वाले 10% आरक्षण के बारे में। पहले बात तो आर्थिक रूप से वंचित वर्ग होता कौन है, इसके हिस्सेदार कौन होते हैं। अगर आपके फैमिली यानी कि आपके परिवार की जो सालाना एनुअल यानी कि सालाना इनकम है वो अगर 8 लाख रुपए से कम है, या फिर अगर आप शहर इलाके में रहते हैं तो 100 वर्ग गज से कम का घर है, गांव कस्बे में रहते हैं तो 500 वर्ग गज से कम जमीन है, आपके पास जो भूखंड है वो 5 एकड़ से कम है, अलग अलग शहर देहात में आपके पास अलग मकान नहीं है, आपके घर में किसी के पास भी सरकारी नौकरी नहीं है, तो आप इस 10% के भागीदार बन सकते हैं। अपना प्रमाण पत्र बनवाइए। ये 10% का जो प्रमाण पत्र है, इससे आप सरकारी नौकरियों में और शिक्षक संस्थानों में, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में दाखिला पा सकते हैं। ये 2019 में 103वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा आया था, यानी कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये इनकॉर्पोरेट किया गया था। तब हमारे सर्वोच्च न्यायाधिकारी थे ई बोबड़े जी, जिन्होंने 3 न्यायाधीशों की खंडपीठ बैठाई थी और इसकी सुनवाई करी थी। लेकिन हमेशा से ही इसकी वैधता पर, इसके दायित्व पर चुनौतियां आती ही रही हैं, और अब फिर से 2022 में सर्वोच्च न्यायाधिकारी यूयू ललित जी इसके लिए 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ बैठा रहे हैं, जिसमें इसके खिलाफ बातचीत और चर्चा करी जाएगी। तो अगर हम सही तरीके से बात करें तो इस मामले पे इतना जोश क्यों आ रहा है? याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका को 3 तर्कों में विभाजित किया है। पहला तर्क यह कहता है कि ये जो अभी अधिनियम है ये हमारे संविधान के खिलाफ जाता है, हमारे संविधान का बदलाव करता है, हमारे संविधान की मूल ढांचा जो है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जैसे कहते हैं, उसके खिलाफ जाता है। वह यह कहता है कि 1992 में इंदिरा साहनी केस में जब कहा गया था स्पष्ट रूप से कि अगर हम किसी भी वंचित वर्ग को आरक्षण दे रहे हैं तो वह केवल आर्थिक कसौटी के संदर्भ में नहीं दिया जा सकता है, और ये उसके खिलाफ जाता है। यहां तक बात समझ आती है। दूसरा तर्क यह कहता है कि ये जो है खिलाफ जाता है आईआर कोयलो केस के अमेंडमेंट में, जिसमें अगेन स्पष्ट तरीके से बताया गया था कि एससी एसटी ओबीसी का जो कोटा है वो 10%, 7.5% और 27% है, कुल मिला के 50% से कम होना चाहिए, लेकिन ये नया आरक्षण उस 50% की सीमा को भी लांग देता है। यहां तक भी हम बात समझ सकते हैं। तीसरा मुद्दा यह आता है एससी एसटी ओबीसी तथा अन्य पिछड़े वर्गों के बारे में, इनके लिए काम करने वाले एनजीओ द्वारा। वह यह कहते हैं कि अगर हम आर्थिक रूप से ही आरक्षण दे रहे हैं तो एससी एसटी ओबीसी भी इनके हकदार हैं। यह कैसा न्याय है मुझे समझ नहीं आता, पर आगे बढ़ते हैं। देशवासियों, हमारे देश में 10वीं 12वीं डिग्री और मास्टर्स तक के फर्जी प्रमाण पत्र बन जाते हैं। यहां पर जिंदा व्यक्ति को मुर्दा बना के इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसे ऐंठ लेते हैं, मुर्दा व्यक्ति को दिलों के अलावा कागजात में जिंदा रख के उसकी पेंशन ऐंठ लेते हैं मात्र 2,000-3,000 रुपए में। ऐसी परिस्थितियों में एक ऐसा प्रमाण पत्र जो 60 साल की जिंदगी तक आपको नौकरी देगा और उस नौकरी तक पहुंचने के लिए सक्षम जो है सर्वोच्च एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वहां पर आपको दाखिला भी करवाएगा, आप कह रहे हैं कि इसका दुरुपयोग नहीं होगा? हुआ है, प्रमाण पत्र गलत बने भी, और हमारे पास 2 किस्से भी हैं। गोपालपुर के रहने वाले अरुण ने यह बताया है कि उन्होंने मात्र 1,000 रुपए देके अपना सर्टिफिकेट बनवा लिया था, और उन्होंने बताया था कि वह सामान्य वर्ग के ब्राह्मण जात से आते हैं, पर इनका पूरा परिवार एससी प्रजाति वर्ग से आता है और इनके घर में 2 पहले से ही सरकारी नौकरियों में दाखिला ले चुके हैं। दूसरे आते हैं दिल्ली के चांदनी चौक इलाके से कार्तिक, इन्होंने यह बताया था कि ये भी 100 वर्ग गज से कम घर में रहते हैं दिल्ली में ही, लेकिन इनके पास एक 500 वर्ग गज का पूरा फ्लैट है। इसके अलावा इनकी बीवी भी सरकारी नौकरी करती है, इनके बच्चे प्रमुख कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते भी हैं, इनके बड़े भाई सरकारी नौकरी करते हैं, और सबसे ज्यादा बात ये विदेशी यात्रा भी करके आ चुके हैं, लेकिन ये आर्थिक रूप से वंचित है। देशवासियों, क्या ये पूरा आरक्षण ही गलत है? ये तो बात ऐसी हुई कि हाथ में सुई लगी और आपने पूरा हाथ काट लिया। आरक्षण गलत नहीं है, वंचित रूप से वर्ग अभी भी है, लेकिन उनको ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, बाकी दुरुपयोग करने वाले ज्यादा हैं। इसका यह मतलब है कि लॉ रूल सिस्टम वेरिफिकेशन स्ट्रांग नहीं है, लेकिन सच में वंचित वर्ग आज भी है। तो इसी बात के साथ
मैं अपनी पंक्ति को विराम देती हूँ और आपको सवाल यह पूछती हूँ जिसके बारे में आप सोचे जरूर कि क्या आरक्षण गलत है या दुरुपयोग करने वाले गलत है। जय हिंद, जय भारत। इसके बारे में सोचते रहिए, फॉलो कीजिए हिंद वॉइस का यूट्यूब चैनल।